हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल प्लस। तो आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू। तो इधर मैं ले ली हूँ खजूर, ये डीसीटेड है ऑलरेडी, मैंने ये खरीदा था, आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा इसका रिव्यू, मॉल्सिस ब्लैक डेट्स डीसीटेड। तो ये डीसीटेड है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा स्टिकी स्टिकी, तो इसीलिए मैं इसको लड्डू बना लूंगी। ये एक्चुअली लड्डू बनाने के लिए ही है डीसीटेड, बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो थोड़ा सा बस हल्का हीट दी हूं, अभी गैस ऑफ है तो अभी बस हीट देके ये मेल्ट हो गया है पूरा, और ये थोड़ा रोस्ट कर ली हूं। इसमें है चिया सीड और इसमें है वाटरमेलन सीड्स, तो ये दोनों सीड को अभी रोस्ट कर लिए हैं, और अभी अलग से एक थाली में ले लूंगी मैं, और थोड़ा सा घी लूंगी। घी में मैं यूज कर रही हूं गोल्ड टच डेयरी घी, तो ये घी अभी मैं एक थाली में थोड़ा सा लगा के अभी ये लड्डू बनाऊंगी। तो गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो, मैं इसमें पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स भी ले ली हूँ, और इसमें आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा, विदाउट हाथ तो लड्डू नहीं बनेगा। तो मैं ये खाली सीड से ही बना रही हूँ, आप लोग इसको कैश्यू नट से और आमंड से भी बना सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास आमंड एक्चुअली है, बहुत कम है, तो मैं सोची क्यों ना ये सब से बनाते हैं, बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो देखिए अभी लड्डू रेडी है, बस अभी इसको शेप देना है, फ्रिज में रख देंगे तो बहुत दिन तक खा सकते हो, ये दुकान से भी अच्छा लगेगा खाने में। बहुत ही इजी बैचलर रेसिपी है, जैसे कि मैं बोली हूँ मेरे चैनल में जो बैचलर्स हैं उन लोगों के लिए मैं रेसिपी दूंगी। तो बैचलर वाले मतलब थोड़ी ना कि हम नॉन बैचलर वाले नहीं खा सकते, सबको ही खा सकते हैं, लेकिन बहुत इजी रेसिपी है। इनफैक्ट ये कुकिंग विदाउट फायर रेसिपीज, जैसे हॉस्टल में कभी कभी होता है, कुकिंग विदाउट फायर रेसिपीज में भी आप लोग ये कर सकते हो। थोड़ा सा हीट दे देने से क्या ये अच्छे से पिघल जाता है। तो मॉल्सी डीसीटेड डेट्स मैंने यूज किया है, अमेजोन से ही लिया था, वो लड्डू बनवाने के लिए बनाने के लिए ही एक्चुअली है, वो खाने में इतना टेस्टी नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा सा स्टिकी था, तो इसलिए मैंने सोची लड्डू बना देते हैं। मैं थाली में घी डाल दी थी, तो देखिए कितना अच्छे से लड्डू बन जा रहा है। तो बस एक ही हाथ का काम है, तो चलिए इस टाइप का और भी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।